ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के चैनल पे आपका स्वागत है। सी राशि जुलाई माह का राशि है। जातक का व्यक्तित्व सुंदर प्रभावशाली एवं शक्तिशाली रहेगा। दोस्तों, सी राशि वालों का 2019 में जुलाई माह कैसा रहने वाला है, आज हम ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंह राशि में जुलाई 2019 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, ताकि उसके अनुसार उनके प्रभावों को भी अच्छी तरह से जान सके। सूर्य 17 जुलाई तक मिथुन राशि में आपके 11वें आयुर्भाव में रहेंगे। 17 जुलाई के बाद कर्क राशि में आपके 12वें वैभव में रहेंगे। मंगल पूरे माह कर्क राशि में 12वें वैभव में रहेंगे। बुध 29 जुलाई तक कर्क राशि में 12वें वैभव में गोचर करेंगे। गुरु वृश्चिक राशि में आपके शुभ भाव में वक्री रहते हुए गोचर करेंगे और शनि धनु राशि में पंचम भाव में पूरे माह गोचर करेंगे और केतु और राहु भी क्रमशः आपके पंचम भाव में एवं आय भाव में पूरे माह रहेंगे। अब देख लेते हैं कि सिंह राशि में जुलाई में ग्रहों के प्रभाव कैसे रहेंगे। आपकी राशि में सूर्य 17 जुलाई तक मिथुन राशि में आपके 11वें आय भाव में रहेंगे। लग्नेश सूर्य जब 17 जुलाई तक मिथुन राशि में आय भाव में रहेंगे तो इस अवधि में जातक कुशाग्र बुद्धि विद्वान अध्ययनशील धनवान रहेगा, लेकिन जातक में मौलिकता की कमी होने से वह आलोचनात्मक प्रवृत्ति का रहेगा। जब लग्नेश आय भाव में होते हैं तो जातक की आय में एवं व्यवसाय में वृद्धि कराते हैं। जातक सुखी प्रसिद्ध एवं सम्मान प्राप्त करता है एवं जातक का व्यक्तित्व सुंदर प्रभावशील एवं शक्तिशाली होता है। जातक ऊर्जा एवं उत्साह से भरा रहता है, हर कार्य को करने के लिए उत्साहित रहता है। अतः इस अवधि में आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता एवं संपन्नता मिलेगी। 17 जुलाई के बाद लग्नेश सूर्य वैभव में कर्क राशि में गोचर करेंगे तो यह दशा स्थिति जातक के लिए कुछ ठीक नहीं रहेगी। अतः जातक का स्वास्थ्य नरम रह सकता है, यात्राएं हो सकती हैं। इस समय आप अपने आप में बहुत अधिक ऊर्जा एवं क्रोध महसूस करेंगे। बात बिना बात पर बहुत ही क्रूर व्यवहार या झगड़ा कर सकते हैं। अतः हर घटना में संयम बनाकर रखें। आवेश और क्रोध कुछ समय का होता है, लेकिन उसके परिणाम वर्षों तक भुगतने पड़ते हैं। अतः इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आपकी राशि में मंगल पूरे माह कर्क राशि में वैभव में गोचर करेंगे। मंगल सुखी एवं भाग्यश होने से यह स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अनावश्यक या धार्मिक यात्राएं हो सकती। धर्म एवं कर्म कांडों में धन व्यय होगा। पितृक संपत्ति को लेकर परिवार में विवादित स्थिति बन सकती। अतः विपरीत दशा स्थिति में शांति से एवं धैर्य से कार्य करें। राहु का अपनी उच्च की राशि मिथुन राशि में 11वें आय भाव में विराजमान होने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वैसे राहु 11वें भाव नीच के होते हैं, परंतु यहाँ पर सिंह राशि में मिथुन राशि में राहु की उच्च की राशि होने से संभावना अच्छी की जा सकती है। और यदि जन्मांग कुंडली में भी ग्रहों की दशा स्थिति उत्तम है तो परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक आने वाले। आपकी राशि में आय एवं धन भाव के स्वामी बुध वैभव में होने से कुछ स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आयस एवं धनेश वैभव में होने से कुलित कार्यों में धन व्यय होगा। आपका रुझान स्त्रियों के प्रति भी आकर्षित रह सकता है, जिसके कारण धन व्यय अत्यधिक हो सकता है। विदेश यात्राएं हो सकती है। तो कुल मिलाकर धन व्यय की स्थिति बन रही है। आपकी राशि में राहु 11वें भाव में होकर पंचम भाव पर सीधी सात दृष्टि हुई, वहां पर शनि एवं केतु की युति होने से प्रेम शिक्षा संतान से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। संतान से कटु संबंध एवं धन की हानि हो सकती है, लेकिन शनि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होने से वैभव होने से रोग एवं शत्रु का नाश होगा। कोई लंबी बीमारी से मुक्ति मिलेगी एवं शत्रुता भी खत्म होगी। इसके साथ ही आपकी राशि में पंचमेश एवं अष्टमेश गुरु सुख भाव में होने से प्रेम शिक्षा संतान के लिए अच्छा रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माता पिता को आयु एवं आय की प्राप्ति होगी। जातक बुद्धिमान रहेगा। ये वाय भाव होने से संतान से संबंधित परेशानी हो सकती, लेकिन गुरु सुख भाव में होने से सभी को अपने नियंत्रण में रखेंगे। और आपकी राशि में गुरु सुख भाव में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में होने से अपना उत्तम फल प्रदान करेंगे। आपका स्वभाव मैत्रीपूर्ण एवं धार्मिक रहेगा। प्रेम शिक्षा संतान
एवं धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी राशि में पराकर्मेश और दशमी शुक्र आय भाव में होने से बहुत ही उत्तम दशा स्थिति बना रहे हैं, जो आपको संतान सुख एवं धन लाभ कराने वाले हैं। अतः दोस्तों जुलाई माह में आपके लिए दिनांक 12, 13, 14 जुलाई बहुत ही शुभ फलदायक तरीके रहेंगे, जिसमें आपको निश्चित रूप से धन लाभ एवं अन्य खुशी के समाचार प्राप्त हो सकते हैं, या ये तारीखें आपको आनंददायक स्थिति में ले जा सकती है। इसलिए तैयार है, योग तो आ ही रहा है। क्या आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है, नहीं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। सही अवसर पर सही कदम उठाएंगे तो एक नहीं कई लाभ अवश्य होंगे। घर से निकलोगे ही नहीं तो दो रास्ते भी नहीं मिलेंगे। मेरे जून में सी राशि के लिए 14, 15, 16 जून तारीख विशेष शुभदायक बताई थी, तो एक जातक ने फोन पर बताया उसे 16 तारीख को एक सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में चुना गया है। अतः उसे 16 जून का शुभ समाचार एवं मुख्य वक्ता के पद की प्राप्ति होकर मान सम्मान प्राप्त हुआ। एक नेता जी अपने क्षेत्र में अधिकांश मतों से विजयी होकर मंत्री पद को प्राप्त हुए। ऐसे ही किसी और के भी अनुभव हो तो कृपया कमेंट्स करें। तो दोस्तों उपरोक्त सभी दशा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जुलाई माह में कुछ अशुभ तारीखें भी निकल रही, अतः दिनांक 1, 2, 3, 4, 5 और 15, 16, 17, 18, 19 तारीखों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य एवं वाहन चलाते समय ध्यान रखें, बाकी तारीखें शुभ रहेंगी। जुलाई माह में सी राशि में सभी ग्रह राहु केतु के बीच में एक तरफ आ रहे होने से काल सर्प दोष बन रहा है, अतः सी राशि वालों को शिव आराधना करना चाहिए। अतः इस माह शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए ये उपाय करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए क्षमा प्रार्थना करें, जल में गुड़ एवं तिल अवश्य मिलाएं। क्षमा साधने के लिए मेरी 2019 की सी राशि के वार्षिक वीडियो देखें। सी राशि वालों का जुलाई माह कैसा रहने वाला है यह हम जान चुके हैं। इस माह सी राशि वालों का भाग्य का प्रतिशत 70 से 80% रहेगा, अर्थात ठीक ठीक रहेगा, और इस योग को समझकर सही कदम उठाकर उसे और उत्तम बनाया जा सकता है। अतः कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण करने के लिए संपर्क करें। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और इसे शेयर भी करें ताकि आपके शेयर करने से आपका परिचित भी लक्ष्मी कृपा से लाभान्वित हो सकेगा और आपको दुआ देगा, जिससे आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें या ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7509000476 और ईमेल आईडी नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।